नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। श्रीलंका में ईस्टर पर हुए धमाकों की जांच में भारत भी मदद कर रहा है। इसी कड़ी में पता चला है कि एक और फिदायिनी ने भी भारत का दौरा किया था। एक शीर्ष इंटेलिजेंस अधिकारी ने बताया, जांच में पता चला है कि श्रीलंका के 3 में से 1 चर्च में धमाका करने वाला आतंकी मोहम्मद मुबारक अजान 2017 में 2 बार भारत आया था। श्रीलंका में 8 आत्मघाती धमाकों में 11 भारतीयों समेत 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 500 घायल हुए। धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली थी, जिसके अलावा शुक्रवार रात सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान हुए आत्मघाती धमाके में 3 फिदायिनी समेत 15 लोगों की मौत हो गई। श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने इन मामले में अब तक 100 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने बताया था कि आत्मघाती हमलावर जहरान हाशिम भारत आया था। वह नेशनल तौहीद जमात का नेता था। बताया जाता रहा है कि श्रीलंका में धमाके करने वाले हमलावरों का सरगना था। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाशिम 2017 में भारत आया था और कुछ महीने यहीं रुका था। इस दौरान उनकी गतिविधियों के कारण सुरक्षा एजेंसी की उस पर नजर पड़ी और वह रडार पर आ गया। संदेह जताया जा रहा है कि अजान ने 21 अप्रैल को 3 में से किसी एक चर्च में खुद को उड़ाकर तबाही मचाई थी। हालांकि अब तक श्रीलंकाई अधिकारी ने किसी भी फिदायिनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं ईस्टर धमाकों के 1 सप्ताह बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका की यात्रा ना करें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक बहुत जरूरी होने पर ही श्रीलंका की यात्रा करें। पूरे देश में आपातकाल के साथ ही हर रात कर्फ्यू घोषित है, इससे श्रीलंका के अंदर यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।